अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम हैदर और आप देख रहे हैं सॉफ्टवेयर जोन ऑफिशियल। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमें अपने चैनल के सब्सक्राइबर हाइड करने चाहिए या शो कराने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपका किसी भी तरीके का चैनल है, आपको ये डिसीजन लेने में मुश्किल हो रही है कि हमें अपने चैनल के सब्सक्राइबर हाइड करने चाहिए या शो कराने चाहिए, तो उसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों, उसको जवाब लेने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इसके नुकसान क्या होते हैं और इसके फ़ायदे क्या होते हैं। तो दोस्तों, नंबर वन पर हम इसके नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, फ़र्ज़ करें कि आपका एक बहुत बड़ा चैनल है जिसमें आप गेमिंग करते हैं या जिस तरीके के भी जो भी चीज़ करते हैं, उसमें आपके 5 से 6 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो दोस्तों, उसमें जब आपके 5 से 6 मिलियन सब्सक्राइबर हुए, आपने वो अपने सब्सक्राइबर हाइड कर दिए। जब आपने वो अपने सब्सक्राइबर हाइड किए, तो कोई आपके चैनल पर आया, उसने आपकी वीडियो देखी, उसने आपकी वीडियो के नीचे जो व्यू है वो देखे, उसने जब आपकी वीडियो के नीचे आपके सब्सक्राइबर देखे, वो उसको हाइड दिखे, इसका उस पर ये रिएक्शन पड़ेगा कि वो तो सोचेगा कि इसके सब्सक्राइबर कम हैं, इस वजह से इसने अपने सब्सक्राइबर छुपाए हुए हैं, इसकी ये वाली वीडियो वायरल हुई है, इसने अपने सब्सक्राइबर इसलिए छुपाए हैं क्योंकि इसके सब्सक्राइबर कम हैं। तो दोस्तों, इसलिए आपने कभी भी अपने सब्सक्राइबर, अगर आपका बड़ा कोई चैनल है, तो आपने अपने सब्सक्राइबर हाइड नहीं करने। तो दोस्तों, जो नंबर टू पर है वो छोटे चैनल के बारे में है। तो दोस्तों, अगर आपका कोई छोटा चैनल है तो आपने अपने सब्सक्राइबर हाइड कर दिए हैं, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं अच्छा। जैसा कि मतलब कि आपका शुरू पर चैनल है, आप जब 1-2 सब्सक्राइबर हैं तो आप फिर अपने सब्सक्राइबर हाइड कर सकते हैं, लेकिन जब आपके 100 क्रॉस कर जाएं तो आपको अपने सब्सक्राइबर हाइड नहीं करने चाहिए, क्योंकि जब आपके 100 क्रॉस कर जाते हैं तो यूट्यूब आपकी वीडियो पर इंप्रेशन डालता है, और जब इंप्रेशन डालता है तो लोग आपकी वीडियो पर जैसे ही क्लिक करेंगे, वो आपके सब्सक्राइबर देखेंगे। जब वो आपके सब्सक्राइबर देखेंगे, वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करके ये भी देखेंगे कि इसका सब्सक्राइबर बड़ा है या नहीं। ऐसे ही 5-6 लोग आपकी वीडियो पर ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसका सब्सक्राइबर बढ़ाया या नहीं। इस तरह से आपका चैनल आहिस्ता आहिस्ता से करके काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो जाएगा और आपके चैनल को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये इसके फ़ायदे और नुकसान हो गए। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें अपने सब्सक्राइबर छुपाने चाहिए या दिखाने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपका कोई बड़ा चैनल है तो आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी कि आपने अपने सब्सक्राइबर हाइड कर दिए। इससे उसके ऊपर बहुत ही बुरा रिएक्शन पड़ता है, वो समझता है इसका छोटा सा चैनल है, इसकी वीडियो वायरल हो चुकी है। बड़े चैनल का तो हो गया, अब हम बात कर लेते हैं छोटे चैनल के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि छोटा चैनल है, मैंने उसके बारे में बताया है आपको, लेकिन उसको अपने सब्सक्राइबर हाइड भी करने चाहिए और शो भी करने चाहिए, उसकी मैंने आपको पहले ही तरतीब बता दी है। आपने उस तरीके से अपने चैनल को ऐसे ग्रो करना है। अगर आपका चैनल नहीं ग्रो होता तो आपने दूसरे तरीका आजमा लेना है, मतलब कि आपने अपने दोस्तों में, फ्रेंड में अपनी वीडियो शेयर करनी है, वो आपके चैनल को बूस्ट देंगे जिससे कि आपके 100 सब्सक्राइबर हों, और उसके बाद आपके चैनल को बहुत ही अच्छा सा बूस्ट मिलेगा। यूट्यूब आपकी वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशन डालेगी और आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक होंगे, तो दोस्तों इससे आपका चैनल ग्रो होगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं हम अपनी वीडियो शेयर करते हैं लेकिन उससे भी हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, तो उसके मुतालिक मैं पहले से भी एक वीडियो बना चुका हूँ कि आपने अपने वीडियो को कैसे शेयर करना है, उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूँगा। आप आई बटन पर क्लिक करके मेरी वो भी वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ही मदद मिलेगी और आपका चैनल बहुत ही जल्दी से ग्रो होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। अब मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।